एक बार फिर से कश्मीर घाटी में सिविल किलिंग सामने आई है, अध्यापकों की हत्या कर दी गई है आतंकवादियों द्वारा। और एक बार फिर से राष्ट्रीय बजरंग दल जो है वो इस समय यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, यहाँ पर पुतला फूंका जा रहा है। यहाँ पर अब तस्वीरें जो है मैं आपको वो जम्मू से दिखा रहा हूँ, कि कैसे यहाँ पर जो कश्मीर में सिविल किलिंग हो रही है उनके खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हमने आपको कल भी दिखाया था कि किस प्रकार से कश्मीर में लगातार बीते दो दिन की अगर मैं बात करूं तो पांच हत्याएं जो हैं वो आम नागरिकों की कश्मीर में की गई हैं। आम नागरिकों की पांच हत्याएं जो हैं वो कर दी गई हैं। तस्वीरें आपको मैं जम्मू से दिखा रहा हूं कि कैसे आतंकवादियों द्वारा जो है वो इस प्रकार की घिनौनी हरकत जो है वो की जा रही है। और राष्ट्र बजरंग दल हर समय इसका विरोध कर रहा है, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि केंद्र सरकार कह रही है कि हालात कश्मीर में सामान्य है, लेकिन अगर हालात कश्मीर में सामान्य है तो इस प्रकार की सिविल किलिंग जो है वो क्यों अभी तक हो रही है। राकेश बजरंगी यहां पर है। राकेश, फिर से एक बार हत्या हो गई है, इनोसेंट किलिंग हो रही है। देखिए, हम सरकार से लगातार हिंदुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए कह रहे हैं। लगातार जब भी कश्मीर के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय की हत्या की जाती है, उनको मारा जाता है, उनके टारगेट किलिंग की जाती है, हम लगातार सरकार के आगे यही निवेदन करते हैं कि सरकार उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। लेकिन सरकार जो है वो कुछ नहीं कर रही। सरकार केवल यह कहती है कि कश्मीर के हालात ठीक है। 48 घंटे के अंदर 5 लोगों की हत्या जो है वो कश्मीर के अंदर हुई है। आज भी 2 शिक्षकों की हत्या जो है वहां पर की गई है। हम पूछना चाहते हैं कि यह शिक्षक जो जिसको गुरु का जो है दर्जा दिया जाता है, जो गुरु है, जिनको सर्वोपरि माना जाता है, जिनको पूजा जाता है, इन्हीं लोगों से इन्होंने शिक्षा ली है। जब ये इनके सगे नहीं तो ये किसके सगे होंगे? ये बातें सरकार को समझनी चाहिए। और जितना हिंदू समाज वहां पर रह रहा है, जो डटकर उनका मुकाबला कर रहा है, उनकी सुरक्षा की नैतिक जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार और यूटी सरकार की है। राकेश, 90 के दशक जैसे हालात जो है वो वहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, 90 के दशक जैसे हालात वहां पर बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। हम लगातार यूटी सरकार को ये चेतावनी देते आए हैं कि इनके साथ कहीं भी रियायत न की जाए। किसी भी आतंकवादी को आप वहाँ पर उसको मेहमान बना के ना रखें, उसको मीडिया के सामने लाकर इस प्रकार से उसको मेहमान बनाना और उसको खिलाना पिलाना और उसके ऊपर इतना खर्चा करना, ये देश के पैसे का नाश है। केंद्र सरकार कह रही है हालात सामान्य है कश्मीर में, लेकिन इस प्रकार की हत्याएं की जा रही हैं, तो कश्मीरी पंडित जो कह रहे हैं हमें वापिस जाना अपने घर, कैसे जा पाएंगे? देखिए, मीडिया बता ही रहा है किस प्रकार के हालात हैं, किस प्रकार से टारगेट किलिंग वहां पर लगातार जारी है। रोज कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। और इसमें खास तौर पर जो वो लोग हैं जो अल्पसंख्यक हैं, जो कश्मीरी समुदाय के लोग हैं, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आज एक महिला टीचर जो सिख कम्युनिटी की है उसको भी टारगेट किया गया है। इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय जितना भी है सभी की सुरक्षा की नैतिक जिम्मेवारी जो है वो सरकार की बनती है, चाहे वो किसी भी उससे हो। लेकिन जो है सरकार जो है केवल बड़े बड़े बयान देकर अपना पलड़ा झाड़ती नजर आती है। चाहती क्या है, क्या चाहती है केंद्र सरकार? जो हो रही है केंद्र सरकार की साफ तौर पर विफलता नजर आ रही है। बिल्कुल, सरकार कहीं भी सफल नहीं है, सरकार सुरक्षा देने में विफल है। लगातार जो किलिंग जो हो रही है वो सरकार की नलायकी है। सरकार को चाहिए कि इसके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वो सरकार ने करने। हमारा काम है कि सरकार को चताना, सरकार को जगाना, हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ सुनने को राजी नहीं, सरकार कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही। तो अब ऐसा ना हो कि पूरा देश में हिंदू जागेगा, उसके बाद सरकार जो है तब हरकत में आएगी। इसलिए देखिए, बिल्कुल फेलियर नजर आता है।
वो आते हैं भीड़ में। तो राकेश बजरंगी कह रहे हैं कि देखिए 90 के दशक जैसा माहौल जो है वो ये आतंकवादी कश्मीर में बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कश्मीरी पंडित वहां पर वापस स्थापित ना हो पाए, लेकिन ये जज्बा है उन कश्मीरी पंडितों का कि लगातार वो एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि आप चाहे हमें जितना भी डरा लीजिए, जितना भी धमका दीजिए, लेकिन हम कश्मीर वापस जाकर रहेंगे। आप लोग देखते रहिए रियली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।